आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 जो के 17 अक्टूबर से मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू होने जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच जो के 26 अक्टूबर को खेला जाएगा और न्यूजीलैंड टीम का पाकिस्तान टूर कैंसिल करने के बाद अब इस मैच की अहमियत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोनों टीम्स के वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप जान पाएंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड स्क्वाड्स में मौजूद टॉप 11 प्लेयर्स जो कि एक दूसरे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और पास्ट में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैचेस का रिकॉर्ड क्या रहा है टी20 में। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आप पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों सबसे पहले टॉप 11 प्लेयर्स में पाकिस्तान टीम में बाबर आजम बैट्समैन, शादाब खान ऑलराउंडर, आसिफ अली बैट्समैन, आजम खान बैट्समैन, हारिस रऊफ फास्ट बॉलर, हसन अली मीडियम फास्ट बॉलर, इमाद वसीम स्पिनर, मोहम्मद हफीज़ ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज स्पिनर, मोहम्मद रिजवान विकेटकीपर बैट्समैन और शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर। और न्यूजीलैंड की टीम में केम विलियमसन जो कि कैप्टन हैं और बैट्समैन, टॉड एस्टल स्पिनर, ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर, मार्क चैम्पमैन ऑलराउंडर, डेवन कॉनवे बैट्समैन, लोकी फर्गसन फास्ट बॉलर, मार्टिन गप्टिल बैट्समैन, केल जेमिसन मीडियम फास्ट बॉलर, जिमी नीशम ऑलराउंडर, ग्लेन फिलिप्स विकेटकीपर बैट्समैन और मिचेल सेंटनर ऑलराउंडर। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप में मैच जो है वो 26 अक्टूबर को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे। अब दोस्तों दोनों टीम्स की माजी के टी20 रिकॉर्ड की बात करें तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टोटल 24 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए, जिनमें ओवरऑल स्नैपशॉट की बात करें तो 14 मैच पाकिस्तान ने जीते जबकि 10 मैच में न्यूजीलैंड जीत सकी है। एवरेज रन रहा है इन मैचेस में पाकिस्तान टीम का 152.3 और न्यूजीलैंड की टीम का 146.8। पाकिस्तान ने हाईएस्ट स्कोर किया है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टी20 में 201, जबकि न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है 196। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मिनिमम स्कोर किया है 100, जबकि न्यूजीलैंड ने स्कोर किया है 80। पहली बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने पहली बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 9 मैचेस जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 मैचेस जीतने में कामयाब हुई। एवरेज रन में पाकिस्तान का 162.4 जबकि न्यूजीलैंड का 154.1 रहा। मैक्स स्कोर पाकिस्तान का 201 और न्यूजीलैंड का 196 रहा पहली बार बैटिंग करते हुए, जबकि मिनिमम रन में पाकिस्तान ने सबसे कम स्कोर पहले बैटिंग करते हुए 105 बनाया, जबकि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 99 स्कोर मिनिमम किया। दूसरी बैटिंग की बात करें तो दोनों टीम्स ने 5-5 मैचेस जीते हुए हैं। पाकिस्तान का एवरेज रन रहा दूसरी बार बैटिंग करते हुए 138.2 जबकि न्यूजीलैंड का रहा 141.5। मैक्सिमम स्कोर रहा पाकिस्तान का 177 जबकि न्यूजीलैंड का रहा 171 और मिनिमम स्कोर पाकिस्तान ने स्कोर किया दूसरी बार बैटिंग करते हुए यानी कि चेजिंग करते हुए 100 जबकि न्यूजीलैंड का 80। तो दोस्तों ओवरऑल मैचेस की बात करें तो न्यूजीलैंड से पाकिस्तान बहुत दर्जे बेहतर है और टी20 में पाकिस्तान ने 14 मैचेस जीते हैं जबकि न्यूजीलैंड सिर्फ 10 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दोस्तों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में टोटल 5 बार आमने सामने आए हैं।
पहली बार 2007-2008 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड सितंबर 22 को आमने सामने आए और ये मैच भी पाकिस्तान के नाम रहा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों के नुकसान पर 143 रन्स का टारगेट दिया, जो कि पाकिस्तान की टीम ने 147 रन बनाकर पूरा कर लिया सिर्फ और सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर 18.5 ओवर्स में। दूसरी बार न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का मैच 2009 में खेला गया, जो कि मैच पाकिस्तान के नाम रहा। जून 13 को ये मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 100 स्कोर का टारगेट दिया और 18.3 ओवर में ये 99 स्कोर जो है वो न्यूजीलैंड ने स्कोर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में 13 ओवर और एक बॉल पर 4 विकेटों के नुकसान पर 100 रन बनाकर न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप में हरा दिया। तीसरी बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2010 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने आए मई 8 को, और इस मैच में न्यूजीलैंड जो है वो बाजी ले गया। न्यूजीलैंड ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मई 8 में हराया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 133 रन्स का टारगेट दिया 20 ओवरों में, जो कि न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवरों में कंप्लीट कर लिया और पाकिस्तान को मैच हरा दिया। चौथी मर्तबा आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 2012 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने आए 23 सितंबर 2012 में, और इस मैच में भी ये टाकरा पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 178 रन का टारगेट दिया था, जो कि न्यूजीलैंड की टीम पूरा नहीं कर सकी और 164 रन बना सकी मुकर्रा ओवर्स में। और दोस्तों, आखिरी बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2015 और 2016 में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच खेला गया, जो कि मार्च 2022 को खेला गया था। ये मैच पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड से हार गया था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान टीम को 180 रन्स का टारगेट दिया था 20 ओवरों में, जो कि पाकिस्तान की टीम मुकम्मल नहीं कर पाई थी और 158 रन्स ही बना पाई थी 20 ओवरों में। दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इस बार पाकिस्तान का स्क्वाड आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हरा पाएगी या फिर नहीं? अगर स्टैट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप्स में 5 बार टोटल आमने सामने आए हैं, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान, जबकि 2 बार बाजी न्यूजीलैंड के नाम रही है। लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया था, और इस बार जिस तरह पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के दरमियान मैच खेला जाता है, इसी तरह अब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान भी मैच खेला जाएगा टक्कर का, क्योंकि पाकिस्तान से न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी का बहाना बनाकर भाग गई और पाकिस्तान में टूर कुछ ही घंटे पहले स्टार्ट होने से उन्होंने कैंसिल कर दिया और न्यूजीलैंड की टीम यहां से चली गई, जिसके बाद लोगों ने बहुत कम गुस्से का इजहार किया और अब लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड को इस टी20 वर्ल्ड कप में हराकर अपना गुस्से का इजहार करे। दोस्तों, इस बारे में आप सबकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दुनिया भर की लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले हासिल करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल आजकल को, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।